नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का सेशन। और बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़ते हैं पर डे, उनको बता दूं मैं किस प्रकार का जो सेशन होता है उसकी अहमियत ये है कि यहां पर वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सब कुछ आप सीख लेते हैं, जो कि इंग्लिश के क्षेत्र में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये तीनों ही पार्ट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के वास्तव में तीन ही पार्ट होते हैं। आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होना चाहिए और ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तीनों चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाती हैं। बहुत इंप्रूवमेंट होगा, बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे, बशर्ते आप हर एक चीज़ को नोट करते हैं, आप रेगुलर इंटरवल पर इसको रिवाइज करते हैं और पूरा सेशन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 मिनट का सेशन देखा, 2 दिन देखा, उसके बाद नहीं देखा तो आप सीख जाएंगे। जिस प्रकार की अनुशासन, जिस प्रकार के आप बिल्कुल रेगुलरिटी रखते हैं क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासेस में, वैसे ही रेगुलरिटी अगर यहाँ रखी जाएगी, और चूंकि मैं भी रेगुलर रहूँगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, ये मेरा दावा है। आप इस सेशन को, इसका जो PDF होगा वो प्राप्त करेंगे आप टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो मेरा भी हौसला बढ़ाती हैं कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं क्या खास है। वैसे तो जो खास चीज़ें हैं मैंने राइट हैंड साइड लिख दी हैं, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा और उसको आप कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रखा है आपको। यहाँ कहा हुआ है आपको मोर देन हाफ ए सेंचुरी एगो। दो चीज़ों की बात मैं यहाँ पे करूँगा इस लाइन में। एगो जो है वो यहाँ तो ठीक है, आपको कोई एक्शन वर्ब नहीं चाहिए है। अगर आपको वर्ब चाहिए होती तो आप एगो के साथ में सेकेंड फॉर्म लगाते, क्योंकि एगो जो है पास्ट सिंपल के लिए एक एडवर्बियल के रूप में आता है। दूसरी चीज़ बताऊँगा मैं आपको, मोर जो है मोर के साथ देन है, क्योंकि डिग्री कंपेरेटिव में देन लगता है। और उससे भी आगे एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मोर जो है वो डिग्री कंपेरेटिव है तो किसकी कंपेरेटिव डिग्री है। मोर है कंपेरेटिव डिग्री मैनी और मच दोनों की। मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, मैनी मच दोनों पॉजिटिव होते हैं, मोर कंपेरेटिव होता है, मोस्ट सुपरलेटिव होता है, आप इसको याद रखेंगे ठीक है। मैनी मोर, मैनी मच दोनों पॉजिटिव, इसके बाद में मोर जो है कंपेरेटिव एंड मोस्ट सुपरलेटिव। डिफरेंस बता दिया मैनी मोर में क्या होता है, मैनी और मच में। इसी कारण से जब मच और मोर दोनों साथ में लगते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं और आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि मच और मोर दोनों साथ में कैसे है। आ सकते हैं, दोनों की डिग्री सेम नहीं है, जब सेम डिग्री हो तब साथ में नहीं आती हैं, वरना आ सकती हैं। तो वो पॉजिटिव है, वो कंपेरेटिव है, साथ में आ सकती है। तो देखिए मोर देन हाफ ए सेंचुरी है, हाफ ए सेंचुरी समझ गए आप, आधी सदी से अधिक का समय की बात कर रहा है। तो मोर देन हाफ ए सेंचुरी एगो, 50 सालों से अधिक समय बीत गया उससे पहले, व्हेन एनालिस्ट, एनालिस्ट का मतलब है जो एनालिसिस करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं। एक थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि एनालिसिस जो होता है उसका प्लुरल बन सकता है। प्लुरल बनाने के लिए आपको एनालिसिस का एनालिसिस करना पड़ता है, आई के स्थान पर ई जोड़ना पड़ता है, एनालिसिस बन जाएगा, विश्लेषण की प्लुरल बन जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि व्हेन एनालिस्ट टॉक्ड अबाउट वॉर इन द मिडल ईस्ट, जब एनालिस्ट 50 सालों से अधिक समय गुजर गया है, उस समय जब एनालिस्ट बात किया करते थे ना, युद्ध के बारे में बात करते थे, और कहां पर मिडल ईस्ट में जो युद्ध हुआ करता था उसके बारे में बात करते थे, तो दे प्रोनाउन हो गया, किसके स्थान पर, एनालिस्ट के स्थान पर। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द आए वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो यहां आपको प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं इस प्रकार के सेशंस में, तो आप इस सेशन को मिस मत करिएगा और स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि देखो यहाँ पे हर चीज़ हम क्लियर करते चल रहे हैं कि नाउन के स्थान पर क्या लगेगा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इसको बोला हमने, दे रेफर्ड टू। एक चीज़ और सीखेंगे आप कि रेफर के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। रेफर का मतलब संकेत करना है, रेफर का मतलब इशारा करना है किसी और। सिंगल ओवरआर्किंग, ओवरआर्किंग का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो ओवरआर्किंग एडजेक्टिव है। ओवरआर्किंग का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव या मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवरआर्किंग, ओवर का मतलब ऊपर, आर्क का मतलब एक चाप होता है ठीक है ना। ओवर आर्किंग का मतलब हो गया कि वो ऊपर इस प्रकार चाप होता है, इसका मतलब ये मानिए कि नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा उसको कवर कर लेगा। तो आप ऑल इंक्लूसिव भी कह सकते हो, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि उन्होंने इशारा किया एक सबसे, एक एकमात्र, सिंगल का एकमात्र हो गया, एकमात्र जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे परमानेंट स्थायी जो टेंशन है उसके बारे में। जब 50 साल पहले बात करते थे युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वो इशारा करते थे, वो रेफर करते थे कि साहब एकमात्र और जो परमानेंट टेंशन है, टेंशन नाउन है, ये दोनों एडजेक्टिव है, परमानेंट और ओवरआर्किंग जो है, विच एग्जिस्टेड, विच किसके लिए आ रहा है, टेंशन के लिए, क्योंकि विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो रिलेट करता है, रिश्ता बताता है, संबंध बताता है किसके साथ, जो पहले वाले वर्ड आएगा उसके साथ। तो यहां पे जो कि एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, किसके बीच एग्जिस्ट करता था, बिटवीन इजराइल एंड अरब
कंट्रीज लाइक इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया एंड इराक, बिटवीन का यूज। देखो मैंने इसको हाईलाइट करवाया, वैसे आपको लगा कि बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं। बिटवीन दो के लिए आता है, ये आपको पता है, बिटवीन दो से अधिक के लिए भी आता है। कब आता है? जब म्यूचुअल रिलेशन की बात आप करते हैं, जब परस्पर संबंध की बात आप करते हैं, जैसे अलायंस है, कोई गठबंधन है, उसमें पार्टीज हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, म्यूचुअल रिलेशन है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? बिटवीन लगाएंगे दो से अधिक के लिए। बिटवीन के साथ कंजंक्शन है, वो एंड आता है, तो यहाँ देख सकते हैं आप एंड का प्रयोग है। बिटवीन के साथ जनरली ईच और एवरी नहीं आता, जनरली अपवाद होता है, एंड द नेक्स्ट होने पर लगा सकते हैं हम ईच और एवरी भी। तो ये कुछ चीज़ें बिटवीन के संदर्भ में आप याद रखेंगे। तो कह रहा है कि वो टेंशन जो कि पहले इसराइल और अरब जो कंट्रीज थी, जैसे कि इजिप्ट है, मिस्र को बोलते हैं, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, उनमें इन कंट्रीज के बीच में, चूंकि दो ही चीज़ें तो हैं, एक तो है इसराइल और एक अरब कंट्रीज, अब अरब कंट्रीज़ के आगे इसने विस्तार दिया है कि कौन कौन से अरब कंट्रीज़ की बात है, वैसे कैटेगरी दो की है तो बिटवीन का प्रयोग हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच जो समस्या थी उसकी ओर इशारा किया किसने? एनालिस्ट ने। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 50 साल पहले, 50 ईयर्स से भी अधिक समय पहले, जो एनालिस्ट थे उन्होंने मिडल ईस्ट में जो वॉर था उसके बारे में बात करी, बात करते थे, और वो इशारा करते थे कि साहब एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो परमानेंट, एक जो एकदम स्थायी, एक जो समस्या है, एक जो प्रॉब्लम है, एक जो टेंशन है, किसके बीच में? इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, उसके बारे में बात करते थे, उसके बारे में रेफर किया करते थे। एक बात और बता दूं मैं आपको, लाइक का प्रयोग, ये प्रश्न आ चुका है, कंजंक्शन में हम पढ़ते हैं तो ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है आपको। देखो लाइक का मतलब, लाइक जो है एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आ सकता है। यही कारण था कि मैंने नाम जो काउंट करवाए आपको, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबियन, इराक, ये नाउन्स हैं, ये नेम है, इस कारण से लाइक का प्रयोग किया। अदरवाइज अगर एडवर्ब की आवश्यकता हमें होती तो एडवर्ब यहाँ पे एज लगाते, लाइक नहीं लगाते। थोड़ा सा मिक्स मत करिएगा लाइक और एज को, वरना हम उदाहरण देने के लिए सच एज भी लगाते हैं तो आपको लगता है कि लाइक जैसे है वैसे एज भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे एज नहीं आएगा, ठीक। तो इसके बारे में बात किया करते थे। आज अब वर्तमान में आ जाइए, 50 साल पहले का दौर की बात करी, अब वर्तमान में आ जाइए। इन द न्यू मिडल ईस्ट, अब नया मिडल ईस्ट है उसमें, एंड डेस्पाइट, डेस्पाइट जब जब आता है तब तब बताता रहता हूँ मैं कि डेस्पाइट के साथ में आपको क्या अवॉइड करना है, ऑफ नहीं लगाना है। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद होता है। डेस्पाइट किस लिए यूज़ करते हैं? जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, जिसकी एक की दिशा इधर एक की दिशा इधर, इस प्रकार से रिलेट करना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप डेस्पाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि आज न्यू मिडल ईस्ट के अंदर, और डेस्पाइट द अनसोल्ड टेंशन, और इस चीज़ के बावजूद कि टेंशन तो सोल्व हुई नहीं है, आज मिडिल ईस्ट नया है और जो टेंशन की बात करते थे 50 साल पहले वो सोल्व भी नहीं हुई, अनसोल्ड है। अनसोल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, अनसोल्ड है वो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। किसकी विशेषता बता रहा है? टेंशन की विशेषता बता रहा है। तो अनसोल्ड प्रॉब्लम जो है किसके बीच में? बिटवीन इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस, इजराइलीज, इसराइल, पैलेस्टीनियंस, पैलेस्टीनियन वहाँ के निवासी, इसराइल के निवासी, इसराइलीज, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिटवीन इसराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस, इन दोनों के बीच में जो अनसोल्ड टेंशन है, द डिफाइनिंग वॉर, अब जो निर्णायक लड़ाई है, अब वर्तमान में आ गया है लेखक, वर्तमान में कहा कि अभी जो मिडल ईस्ट है नया और जो अभी तक टेंशन जो सोल्व नहीं हुई इसराइल और पैलेस्टीन के बीच, पैलेस्टीन के इसराइल लड़ाई चलती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पढ़ते तो आपको पता होगा कि वेस्ट बैंक नामक एक जगह है जिसको इसराइल लगातार अपने क्षेत्र में ले रहा है और अमेरिका इसी का सपोर्ट करता है, राजधानी भी जो है वो इसी के पक्ष में, यहाँ पे अमेरिका आया है इसराइल के पक्ष में, पैलेस्टीनियंस जो हैं उनके पक्ष में अमेरिका नहीं है, और इसराइल अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ा रहा है। तो ये जो लड़ाई चलती है इनके बीच में, ये जो टेंशन चलती है अनसोल्ड है। द डिफाइनिंग वॉर, डिफाइनिंग का मतलब है निर्णायक, निर्णायक का मतलब समझिए कि जो डिसाइसिव है, निर्णायक है। तो लड़ाई जो है इज़ अ ब्रॉडर स्ट्रगल, ब्रॉडर का मतलब अधिक व्यापक, अधिक बड़े स्तर का स्ट्रगल, लड़ाई है अमंग मल्टीपल प्लेयर्स। अब जो लड़ाई है वो किसके बीच है? इससे भी अधिक बड़ी लड़ाई है वो किसके बीच है? वो है मल्टीपल प्लेयर्स के बीच। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे, इसी कारण से प्लेयर्स है, प्लूरल है, क्योंकि हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं। सीकिंग रीजनल हजमनी, हजमनी का मतलब होता है प्रभुत्व, हजमनी का मतलब होता है सुपीरियोरिटी, ठीक है, और रीजनल का मतलब क्षेत्रीय। तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच जो अनसोल्ड टेंशन है, जो डिफाइनिंग वॉर है, वो क्या है? वो एक बड़ा स्ट्रगल है किसके बीच में? मल्टीपल प्लेयर्स के बीच में, अनेकों प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर्स का मतलब है उस क्षेत्र में जो जो जगह को अधिग्रहित करना चाहता है, जो जो अपने कब्जे में लेना चाहता है, वो प्लेयर्स जो वहाँ पर प्रभाव रखते हैं, प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वो प्लेयर्स जो कि चाह रहे हैं कि क्षेत्र प्रभुत्व उनका बने।
अमंग दीज, इनके बीच देर आर फ्रैक्शियस ग्रुप्स, वॉट डज इट मीन? फ्रैक्शियस इज एन एडजेक्टिव और फ्रैक्शियस के साथ में क्वेरलसम दे रखा है, तो क्वेरलसम झगड़ालू को बोलते हैं। फ्रैक्शियस एक एडजेक्टिव है, कैसे पता लगता है? वो कारण है कि ओ यू एस से एंड है। हर बार तो ऐसा नहीं होता, जैसे रोंडीवू एक वर्ड होता है उसमें नहीं होता ऐसा। ट्रायस्ट या मीटिंग उसको बोलते हैं, उसका मीनिंग जो होता है रोंडीवू का, वहाँ पे भी ओ यू एस आता है लेकिन नाउन होता है, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, जनरली एडजेक्टिव मानेंगे। फ्रैक्शियस का मतलब क्वेरलसम है, झगड़ालू है। तो कह रहा है अमंग दीज, इन सभी के बीच दीज आर देयर आर फ्रैक्शियस ग्रुप्स ऑफ मिलिटियाज। मिलिटियाज किसको बोलते हैं? मिलिशिया बोलते हैं वैसे इसको। मिलिशियाज किसको बोलते हैं? मिलिशिया का मतलब है जो नागरिक सेना होती है, सिटीजन्स में से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं अपनी परमानेंट आर्मी को सपोर्ट करने के, लड़ाके बोलते हैं इनको। तो ऐसे फ्रैक्शियस ग्रुप्स हैं मिलिशियाज के भी, ठीक है ना, इनके भी, नागरिक सेना के भी कुछ झगड़ालू ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं और ट्राइबल फोर्सेज हैं। ये ग्रुप्स हैं, फिर रिलीजियस ग्रुप्स हैं, धार्मिक ग्रुप्स भी हैं और ट्राइबल फोर्सेज भी हैं। ट्राइबल फोर्सेज मतलब जो जनजाति के जो फोर्सेज हैं, वो दैट एक्सरसाइज पावर इन मच ऑफ द रीजन, जो वहाँ पे अपना अपना अधिकार जमाती है। एक्सरसाइज पावर का मतलब क्या है? अपने अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं वहाँ पे, अपनी शक्ति को जमाने का प्रयोग करते हैं। तो ये सब वहाँ पे हावी हैं उस क्षेत्र में, रिलीजियस ग्रुप्स भी हावी हैं वहाँ पे, कुछ मिलिशियाज के ग्रुप हैं वो भी हावी हैं, साथ में ट्राइबल फोर्सेज जनजाति हैं जो जनजातियाँ हैं वो भी वहाँ पे हावी हैं। दीज ग्रुप्स हैव ग्रोन वास्टली, किन ग्रुप्स की? ये दीज ग्रुप्स कहाँ से आया? ये ऊपर जो हमने बात की रिलीजियस ग्रुप्स मिलिशियाज, इनकी बात के लिए आया। दीज ग्रुप्स हैव ग्रोन वास्टली, ये ग्रुप्स जो हैव ग्रोन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि एच के साथ बताया था मैंने कि थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ग्रुप्स जो हैं वास्टली, वास्टली मतलब बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, एडवर्ब है ये, वास्ट वास्ट बनता है विशाल। इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में, एक बात देखो यहाँ पे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आया था एग्जाम में और कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। देखिए, जब अगर लास्ट लगता है तो हम क्या लगाते हैं? पास्ट सिंपल लगाते हैं, लेकिन जब इन लग जाता है ना उसमें, जैसे पास्ट 20 ईयर्स ही होता तो फिर ये हैव ग्रोन नहीं आता, ग्रू आता, ठीक है, जी आर ई डब्ल्यू आता। इन लग जाता है उसमें तो फिर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में ये जो ग्रुप्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ग्रो किया है। एंड मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे, किन में से? उन ग्रुप्स में से, चूंकि ग्रुप्स काउंटेबल है तो मैं नहीं आ सकता है, मच नहीं लग सकता है इसमें। और उनमें से अनेकों ग्रुप्स जो हैं हैव बीन, रहे हैं एंड कंटिन्यू टू बी फाइनेंस्ड, हैव बीन फाइनेंस्ड एंड कंटिन्यू टू बी फाइनेंस्ड, ऐसे पढ़िए इसको फिर आप, ठीक है ना। देखो, टू के साथ बी लगाया है तो फिर हैव के साथ बीन लगाया है, बिल्कुल सिंपल है। एंड के दोनों और क्या है, आती तो चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको हैव दे रखा है तो फिर बीन लगाया, यहाँ ठीक है हैव से है लेकिन यहाँ पे टू लगा दिया, तो टू लगा दिया तो बी लगा दिया, टू के साथ वी जीरो लगाते हैं। तो इनमें से अनेकों जो ग्रुप्स हैं वो रहे, हैव बीन फाइनेंस्ड, उनको फाइनेंस किया गया है एंड कंटिन्यू टू बी फाइनेंस्ड, और अभी भी फाइनेंस किया जा रहा है, कंटिन्यू है, ये वित्त पोषित किया जा रहा है, पैसा उनको पहुँचाया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है इन ग्रुप्स को। एंड कंट्रोल्ड, और साथ साथ में क्या है, उनको नियंत्रित किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा? देखो, बाय ईरान एंड सऊदी अरेबिया, किसके द्वारा? ईरान और सऊदी अरेबिया के द्वारा। इन लोगों ने, सऊदी अरेबिया और ईरान जो देश हैं, उन्होंने इनको फंडिंग दी है, इन्होंने इनको पैसा दिया है, ये वित्त पोषित कर रहे हैं इन ग्रुप्स को, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे मिलिशियाज हैं इनको, जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको, इसी कारण प्रोग्रेस कर रहे हैं ये, वहाँ पे अशांति फैला रहे हैं, कहने का मतलब ये है। आगे देखो, द ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरानी क्रांति, ईरानियन, ईरानी एडजेक्टिव है, रेवोल्यूशन क्रांति, कब की? 1979, ईरान की जो क्रांति थी 1979 की, उसने गैल्वेनाइज किया। गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइज का मतलब है अराउज स्पर या स्टिम्युलेट, मतलब उत्प्रेरित करना, बढ़ाना, धक्का मारना आगे की तरफ, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज। इस क्रांति ने इस्लामिस्ट्स को, जो भी मुस्लिम, जो मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उनको यहाँ पे पुश किया आगे की ओर, उत्प्रेरित किया अक्रॉस द रीजन, इस रीजन में, पूरे रीजन में, अक्रॉस का मतलब पूरे इस क्षेत्र में, इनको स्पर किया, इनको स्टिम्युलेट किया, इनको आगे बढ़ाया। बट द सिविल वॉर, सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध, लेकिन जो गृह युद्ध था लेबनान में, और इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी अगेंस्ट द सोवियत प्रेजेंस, इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, और इस्लामिस्ट जो इंसर्जेंसी थी, इस्लामी जो लोगों का जो एक विद्रोह था अगेंस्ट द सोवियत प्रेजेंस,
किसके खिलाफ, के खिलाफ के लिए अगेंस्ट लगता है, किसके खिलाफ, सोवियत प्रेजेंस के खिलाफ, कि सोवियत संघ वहां पे था, वहां पे मतलब प्रेजेंट था, उसके खिलाफ इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, एंड द एट ईयर्स वॉर बिटवीन ईरान एंड इराक, और आठ साल का जो लड़ाई चली थी, एंड और द एट ईयर्स, आठ साल की वॉर लड़ाई किसके बीच में, ईरान और इराक, दो दल हैं तो बिटवीन आ गया है और बिटवीन के साथ में एंड भी आ गया है, ऑल्सो स्ट्रेंथेंड द हैंड ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स, इन चीजों ने भी, ठीक है, वित्त पोषित कर रहे हैं, ईरान कर रहे हैं और सऊदी अरबिया कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी चीज़ें जो हैं उन्होंने भी स्ट्रेंथन किया, मजबूती दी है, किसको, द हैंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो सशस्त्र सेना है, आर्म्ड फोर्सेज, सशस्त्र सेना, उसका मतलब यहाँ पे जो सशक्त किया है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स के कंट्रोल के बाहर जो ये ग्रुप्स हैं, सशस्त्र सेना है, एज अ रिजल्ट, मतलब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से, एक बार यहां तक की बात बता दूं मैं आपको कि क्या कहा है कि ईरानी जो रेवोल्यूशन था 1979 का, ईरानी जो क्रांति थी, उसने क्या किया 1979 में, जो 1979 की क्रांति थी उसने इस्लामिस्ट्स को इस पूरे क्षेत्र में गैल्वेनाइज किया, इस्लामिस्ट को यहां पे पनपने दिया, कहने का मतलब यह है। लेकिन जो गृह युद्ध हुआ था लेबनान में और इस्लामिस्ट जो इंसर्जेंसी हुई थी सोवियत प्रेजेंस के खिलाफ, जो विद्रोह किया था अफगानिस्तान में, और जो आठ साल का युद्ध चला था ईरान इराक के बीच में, इन सब कारणों ने, कौन कौन से कारण बताए, ईरानी क्रांति हुई थी वो, साथ साथ में गृह युद्ध हुआ वो, साथ में यहाँ पे सोवियत, यहाँ पे क्या किया, जो आठ साल की लड़ाई चली थी ईरान और इराक के बीच में, वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने भी क्या किया, स्ट्रेंथन किया, क्या स्ट्रेंथन किया, मजबूती दी, किसको, आर्म्ड ग्रुप्स को, किसके बाहर इनका कंट्रोल, जो किसके बाहर था, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थे, इन आर्म्ड ग्रुप्स को भी यहाँ पे पनपने दिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, कंटेम्परेरी वेस्ट एशिया, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, जो वर्तमान काल में है तो, या उस काल में है, कंटेम्परेरी वेस्ट एशिया, तो समकालीन जो वेस्ट एशिया है, हैज बीन शिफ्टिंग कंसिस्टेंटली, तो ये जो है वो लगातार कॉन्स्टेंटली लगातार, कॉन्स्टेंट का मतलब ये भी होता है कि स्थिर हो, कॉन्स्टेंट का मतलब रेगुलरली भी होता है, तो ये वेस्ट एशिया जो है वर्तमान में, ये वो लगातार या कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, बदलाव कर रहा है बिटवीन स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या है, उसमें प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स जो हैं, वो प्लेयर्स जो हैं, कौन कौन से, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, इसराइल, इनकी बात कर रहा है, एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, और जिनका वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट का मतलब वहाँ के नहीं है वो, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रभुत्व जमाते हैं, जैसे कि मिलिशिया ग्रुप्स हैं, लोकल फोर्सेज हैं वो, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बार फिर से देखिए, पीछे जाइए, पीछे क्या कहा कि एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जो कंटेम्परेरी वेस्ट एशिया है, जो समकालीन वेस्ट एशिया है, हैज बीन शिफ्टिंग कॉन्स्टेंटली, वो लगातार शिफ्ट हो रहा है, वेस्ट एशिया जो है वो लगातार शिफ्ट हो रहा है बिटवीन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके बीच में शिफ्ट हो रहा है, इनके बीच में यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है, मतलब बदल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर आ रहा है, और साथ में दैट एक्चुअली कंट्रोल्ड मच ऑफ द लैंड, जिसने डेट यहाँ पे किसके लिए आ गया, इन ग्रुप्स के लिए आ गया, जिसने वास्तव में उस अधिकतर जो लैंड है, वहाँ की जमीन है, उसको हथिया रखा है, ठीक है, अधिकतर जो जमीन है उसको इन्होंने कंट्रोल में कर रखा है। फिर एट टाइम्स का मतलब होता है सम टाइम्स या ऑन ओकेजन्स, कई बार, ये काफ़ी बार फ्रेज यूज होती है, आप इसको याद रखिएगा, एट टाइम्स का मतलब होता है कई बार, अक्सर, अक्सर क्या देखने में आता है, नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक द हेजबुल्ला ऑफ लेबनान हैव बीन मोर इन्फ्लुएंशियल देन द नेशनल गवर्नमेंट्स, कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स का मतलब समझिए आप, एक्टर का मतलब अभिनेता नहीं है, एक्टर का मतलब वहाँ पे जो रोल अदा करते हैं, वहाँ पे जो मतलब इन चीज़ों को उकसावा देते हैं, जो वहाँ पे प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा है। तो एट टाइम्स कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हेजबुल्ला है, अब हेजबुल्ला ऑफ लेबनान तो है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको देखो नॉन स्टेट एक्टर्स को फोकस करना है। अब एक्टर्स है यहाँ पे, अभी एक तो उदाहरण दिया इतना सा, तो ठीक है, लेबनान का जैसे हेजबुल्ला है, तो वो एक्टर्स जो हैं वो हैव बीन मोर इन्फ्लुएंशियल, वो कैसे रहे हैं, वो ज़्यादा प्रभावी रहे हैं, किसकी तुलना में, देन द नेशनल गवर्नमेंट्स, राष्ट्रीय सरकारें हैं उनकी तुलना में ज़्यादा प्रभावी रही। तो यहाँ पे वेस्ट एशिया की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट की जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई, किस प्रकार से कौन कौन से ग्रुप वहाँ पे जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स वहाँ पे हावी हैं, सरकार का वहाँ पे कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है, सरकार के कंट्रोल में कुछ है नहीं, और कौन वहाँ पर पीछे, मतलब बिहाइंड द सीन कौन है, पीछे कौन खड़ा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, वो सब डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, इंग्लिश के बारे में बात करें अगर हम, तो हमने कुछ सीखा है यहाँ से, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, दो चार पांच नए वर्ड्स भी सीखे हैं, वैसे सिंपल सा एक पैराग्राफ था हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं हम कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।